मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा खरगोन की घटना पर फेक ट्वीट करना भारी पड़ गया है, जिसके चलते अब भाजपा ने दिग्विजय सिंह को घेरना शुरू कर दिया है। विदुर प्रवास पर आए भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने भाजपा नेताओं के साथ कोतवाली थाने में पहुंचकर दिग्विजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। साथ ही दिग्विजय सिंह पर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का आरोप भी लगाया। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार, भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला, भाजयुमो जिलाध्यक्ष भास्कर मगरदे सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारियों के साथ ज्ञापन देने कोतवाली पहुंचे। ज्ञापन में कहा गया कि 10 अप्रैल 2022 को रामनवमी के चल समारोह को लेकर खरगोन में कुछ उपद्रवियों द्वारा धार्मिक माहौल खराब करने की नीयत से चल समारोह के ऊपर पथराव किया गया। उक्त घटना को लेकर प्रदेश स्तर पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा धार्मिक माहौल को बिगाड़ने की नीयत से विवादित ट्वीट किया गया था, जिसके चलते प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज एक ट्वीट किया और वो ट्वीट एक झूठा फोटो था। उसमें उन्होंने लिखा कि ये फोटो मध्य प्रदेश का है। दो दिन पहले मध्य प्रदेश में एक बड़ी घटना घटी, खरगोन में धार्मिक उन्माद हुआ और उनका ये झूठा फोटो स्पष्ट रूप से उनका कोई षड्यंत्र दिखाई देता है, जो मध्य प्रदेश में वो धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। साथ ही साथ वो जिन दंगाइयों पे कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को भी रोकना चाहते हैं। उनके ट्वीट से ये प्रतीत होता है ताकि लोगों को भड़काकर मध्य प्रदेश में जो शांति का टापू है एक धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों के बीच में वैमनस्यता की मानसिकता को फैलाने का उनका ये दुष्कृत्य दिखाई देता है। उसके खिलाफ आज हम पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन दे रहे हैं और हमने FIR करने की मांग की है पुलिस प्रशासन से। आज बैतूल जिले में भी मैं जिलाध्यक्ष आदरणीय आदित्य शुक्ला जी के साथ यहाँ पर हमारा पूरा डेलीगेशन पुलिस प्रशासन से मिला और हमने मांग की है, ज्ञापन दिया है कि पुलिस प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करे ताकि इस प्रकार के कृत्य कि मध्य प्रदेश जो कि शांति के लिए जाना जाता है और मध्य प्रदेश की पुलिस जो लगातार दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई करने का काम कर रही है, लेकिन उनके कार्य में, पुलिस के कार्य में और प्रशासन के कार्य में बाधा डालने का काम दिग्विजय सिंह जी जैसे लोग कर रहे हैं, जो घोर निंदनीय है। फोटो हटा लिया गया, जब तो यदि गलत किया था इसलिए फोटो हटा लिया गया। 4 घंटे तक फोटो रखने की जरूरत क्या थी? झूठी फोटो जो मध्य प्रदेश का फोटो ही नहीं है उसको यहाँ पे डालना। और भाई साहब, आपको अभी गृह मंत्री से बात क्यों करानी पड़ी FIR को लेके? नहीं, मैंने गृह मंत्री जी से बात नहीं की, मैंने भाई साहब से बात की है कि विषय में उनसे जानकारी लेनी। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।